नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जो हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज में, उसका एक वीडियो और लेकर के हम आ गए हैं अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास जो आज का पहला करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो है, रविशंकर प्रसाद ने भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और इस देश के लर्न नेटवर्क के बीच गीगाबिट कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा श्रीलंका में, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बांग्लादेश और भारत किस देश ने यात्री वाहनों की आवाजाही के लिए परिचालनगत प्रक्रियाओं पर सहमति जताई। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो इसका उत्तर होगा वो है नेपाल ने। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने खेलो भारत गान का अनावरण किया? राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और मनोज तिवारी। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने के लिए CJI की अध्यक्षता में कितने न्यायाधीशों की संविधान पीठ की रचना की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है 3, 5, 9 और 11। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है 5। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, किस देश के प्रधानमंत्री मिहाई ट्यूडोज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है वो है हंगरी, बेल्जियम, टर्की और रोमानिया। तो इसका जो आंसर होगा वो है, सॉरी आंसर आपको नहीं बताया, इसका जो आंसर होगा वो है रोमानिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा है वो दे दिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय मुक्केबाजों ने सर्बिया के सोमबोर में चल रहे 7वें नेशंस कप टूर्नामेंट में कितने स्वर्ण पदक जीते? इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 7, 11, 16 और 19 कप। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 11 कप। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आधार सुरक्षा बढ़ाने के लिए UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक शुरू करने की अनुमति दी 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020, ठीक है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 जुलाई 2018। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, किस देश की सरकार ने 15 जनवरी 2018 को इंस्ताबुल के लिए बनाई जाने वाली नई नहर के मार्ग का अनावरण किया? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बुल्गारिया, तुर्की, चांड और लेबनान। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है तुर्की। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, ICRA की रिपोर्ट ने कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले कुल व्यय का केवल कितने प्रतिशत हिस्सा ही सार्वजनिक क्षेत्र का है? तो इसमें जो ऑप्शन है वह 30%, 40%, 50% और 60%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30%। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसंधानकर्ताओं ने किस जंतु का प्रयोग कर दिमाग की पूरी वायरिंग को समझने का तरीका विकसित किया है? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज यानी मक्खियों में, दूसरा बंदर, तीसरा मच्छर और चौथा मधुमक्खी। तो इसका आंसर होगा वो है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज यानी मक्खियों में। तो दोस्तों, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।